बीडीओ ने पत्रकार के साथ किया दुर्व्यवहार। प्राकलन राशि व बोर्ड को लेकर सवाल करने पर मोबाइल छीनने का किया प्रयास। हालांकि बिहार में आए दिन अफसरशाही देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकार अपनी जान जोखिम में डालकर हर आपराधिक घटना व आमजनों की समस्याओं को दिखाती है, तो वहीं दूसरी तरफ पद के नशे में चूर अफसरों द्वारा पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। शुक्रवार को ऐसा ही एक मामला मधुबनी जिले के हरलाखी प्रखंड के फुलहर पंचायत से सामने आया है, जहां विगत दिनों वार्ड संख्या 8 में बिना कार्य योजना का बोर्ड लगाए नाला निर्माण में अनियमितता को लेकर ग्रामीणों ने संवेदक व विभागीय पदाधिकारी के खिलाफ रोषपूर्ण प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी किया था। ग्रामीणों के विरोध पर उक्त मामले को लेकर अखबारों में समाचार प्रकाशित की हुई गई थी, जिसके बाद शिकायत के 5 दिन बाद हरलाखी के प्रखंड विकास पदाधिकारी कृष्ण मुरारी योजना की जांच करने कार्यस्थल पर पहुंचे। जांचोपरांत स्थल पर मौजूद एक हिंदी दैनिक अखबार के पत्रकार ने उनसे जांच के विषय में सवाल पूछा, तो वीडियो ने सवाल का जवाब नहीं देकर दुर्व्यवहार करते हुए पत्रकार का मोबाइल छीनने का प्रयास किया, साथ ही बिना कुछ बताए ही निकल गए। इधर इस मामला को लेकर पत्रकारों में काफी नाराजगी है। उक्त मामले पर वीडियो कृष्ण मुरारी ने सवाल पूछने पर बताया कि मैंने मोबाइल बंद करने के लिए बोला। पत्रकार ने बिना परिचय वीडियो बनाना शुरू कर दिए थे। बता दें कि वीडियो में स्पष्ट देखा व सुना जा सकता है कि पत्रकार के सवाल पर वीडियो बौखला गए और उन्होंने बदसलूकी करते हुए मोबाइल छीनने का प्रयास किया। पत्रकार ने जब जांच के विषय में पूछा तो वीडियो ने बताया कि प्रथम दृश्या सही है, जिसके बाद प्राकलन की राशि की जानकारी को लेकर सवाल किया गया। तो वीडियो ने पहले पत्रकार से परिचय पूछा। परिचय देने के बाद वीडियो कह रहे कि एस्टिमेट की मांग किए हैं, मोबाइल बंद कीजिए। जिसके बाद पत्रकार जब वीडियो से उनका परिचय पूछते हैं तो वीडियो उनके मोबाइल को छीनने का प्रयास करते हैं। उक्त घटना पर DDC विशाल राज ने बताया कि मामला संज्ञान में नहीं आया है। अब देखने वाली बात होगी कि ऐसे अफसरशाही जो पदाधिकारी हैं मधुबनी जिले के हरलाखी प्रखंड में, उस पर कार्रवाई होते हैं या नहीं। शर्मा जी, आपको आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं नहीं वर्मा जी, बस अब आप लड़की दिखाइए। बहुत अच्छी है। तो रिश्ता पक्का समझे? अरे मैं चाय की बात कर रहा हूँ। हर रिश्ते की शुरुआत बंगाल गोल्ड डायमंड टी, जो बनी है असम की चुनिंदा चाय बागानों की पत्तियों से, जिससे मिले कड़क स्वाद और रिफ्रेशमेंट। बंगाल गोल्ड डायमंड टी।